हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में कृति देव फॉन्ट पर, यानी अभी तक हम लोगों ने कृति देव फॉन्ट पर तीन रो का प्रैक्टिस किया, जिसमें सबसे पहला वाला आपका रो था आपका टॉप रो, इसके बाद बीच वाला रो आपका होम रो, ठीक है, यानी टॉप रो, इसके बाद होम रो, और सबसे नीचे वाला जो रो था वो आपका बॉटम रो। ये तीन रो के बारे में जाना। और इसके अलावा आपको याद होगा ये टॉप रो के ऊपर में आपका एक नंबर वाला होता है, यानी न्यूमरिक रो, ठीक है, न्यूमरिक रो। इन तीन रो को जो है अभी तक हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद क्या है कि आपको पता है कि जब अगर आप कृति देव फॉन्ट पर, यानी कृति देव फॉन्ट पर अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो टॉप रो, होम रो, बॉटम रो और न्यूमरिक रो के अलावा और भी बहुत सारे लेटर्स हैं जो कीबोर्ड पर मौजूद नहीं होते। उसके लिए या तो आपको सिंबल मेनू का यूज करना होता है और या तो शॉर्टकट की का यूज करना होता है, ठीक है, यानी शॉर्टकट की के जरिए भी आप वो सारा लेटर ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे कि वो सब शॉर्टकट की क्या प्रेस करके हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप शॉर्टकट की जानिए आधा फ, यानी आपको पता होगा कि फ लिखने के लिए आप कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आधा फ लिखना होगा तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की का यूज करना होगा। और इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ 20, यानी अल्ट के साथ जब आप 20 प्रेस करेंगे तो आपका क्या टाइप होगा, आधा फ। और ये सब शॉर्टकट की आपको काम आएगा, जब आप हिंदी टाइपिंग करेंगे तो शॉर्टकट की का यूज करना ही होगा। इसके बाद आपका जो है, जैसे प्रसन्न लिखेंगे आप तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से ऐसा करके लिखा रहता है, ठीक है, तो ये अगर लिखना होगा तो इसके लिए आपको अल्ट के साथ आपको प्रेस करना होगा 0153, यानी अल्ट दबा के रखना है और इसके बाद 0153 प्रेस करना है। नेक्स्ट आपका जो है चांद बिंदु, अगर आपको चांद बिंदु लिखना होगा, आपको पता होगा कि सिर्फ चांद आता है, बिंदु नहीं आता, अगर चांद बिंदु एक साथ लाना है तो इसके लिए आपको अल्ट प्रेस करके 0161 प्रेस करना है, ठीक है, यानी क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ 0161, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका आता है जैसे आप य लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि आपका चौछा जजा इ जो होता है वो लिखना होता है, तो आप अल्ट के साथ अल्ट प्रेस करके आप यहां से क्या करेंगे, 0165 ये टाइप करेंगे, ठीक है, यानी अल्ट दबा के 0165, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जैसे ये रॉ होता है, जैसे बताए थे ट्रक के नीचे लिए देना होता है, या और भी बहुत सारे वर्ड में जरूरत पड़ता है, जैसे आप ड्रम लिखेंगे तो डॉ के नीचे देना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, ये लाना पड़ता है और इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा अल्ट के साथ 0170, यानी अल्ट के साथ 0170 टाइप करके आप वो ला सकते हैं। फिर आपको आधा त्र लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, आपको अल्ट के साथ 0171 ये टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी तरह आपको जो है अंगा टाइप करना होगा, बहुत लोग होते हैं कि ये अंगा कैसे लाएंगे, तो अंगा के लिए आपको ना ये डॉ लिख के आप ये बगल वाला बिंदु ला भी सकते हैं, और अगर शॉर्टकट की याद है तो इसके लिए आप अल्ट के साथ अल्ट प्रेस करके 0179 ये टाइप करके ला सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह आपका है आधा यो, आधा यो ये टाइप करके नहीं ला सकते, इसके लिए शॉर्टकट की है आपका अल्ट के साथ 0184, यानी अल्ट के साथ 184 प्रेस करके आप आधा यो लाएंगे, ठीक है। उसी तरह आपका जो है ये भाग का जो सिंबल होता है या परसेंट के तौर पे जो यूज करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से अल्ट के साथ अल्ट प्रेस कीजिए और 0187 ये टाइप कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, जैसे ये ब्रैकेट होता है, एक ओपन ब्रैकेट होता है और एक आपका क्लोज ब्रैकेट होता है, तो ओपन ब्रैकेट के लिए आप यहाँ से क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करना है और इसके बाद 0188, और क्लोज ब्रैकेट के लिए क्या करना है, अल्ट के साथ आपका 0189। कुछ शॉर्टकट की ना आपका जो है याद करने लायक, में आपका जो है 188 है तो क्लोज में क्या है आपका 189 है, फिर उसी में अल्ट के साथ 187 है, तो कहने का मतलब कुछ कुछ शॉर्टकट की ऐसा है जो कि आप याद रख सकते हैं और ऐसे भी लगातार जब आप टाइपिंग करेंगे तो याद हो जाता है, ठीक है।
फिर उसी तरह जो है आपका अगला टाइप, अगला लेटर है आपका, थोड़ा सा नीचे आ जा रहे हैं, इसके बाद आपका नेक्स्ट है। कुछ शॉर्टकट की और भी है, जैसे कि आप अगर इक्वल टू लाना चाहेंगी, अगर इक्वल टू लाना चाहेंगी तो उसके लिए क्या होता है कि अल्ट के साथ अल्ट प्रेस कीजिए और 0190 यानी अल्ट के साथ 0190 प्रेस करके आप इक्वल टू का सिंबल ला सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपका ओपन ब्रैकेट है और इसके बाद आपका एक क्लोज ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट अगर आपको लाना होगा तो इसके लिए अल्ट के साथ जो है अल्ट प्रेस कीजिए और 0191 ये टाइप करके आप ये मिडिल ब्रैकेट ला सकते हैं। और इसी में जो मिडिल ब्रैकेट अगर क्लोज ब्रैकेट अगर लाना होगा तो फिर आपके यहाँ से अल्ट के साथ 0192। आप देख पा रहे हैं ये सब जितना भी है ज्यादातर सीरियल नंबर से है, जैसे आपका ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में इसमें 188 था 189, उसी तरह इसमें जो है आपका 0 के साथ 191 है तो क्लोज ब्रैकेट में क्या है अल्ट के साथ 192 है। ठीक है, फिर इसी तरह आपका जो है और भी कुछ सिंबल है, जैसे आप यहाँ से दीर्घई ये लिखना पड़ेगा तो आपको पता होगा कि ये हर्षई लिखने के बाद ऊपर में आप रो ला भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो दो लेटर का यूज नहीं करना होगा, एक ही लेटर के जरिए आप ये सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको टाइप करना होगा अल्ट के साथ 0195। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घ। ठीक है, आपको पता होगा कि घ जो है आधा घ टाइप होता है और के प्रेस करके आप पूरा करते हैं, लेकिन अगर पूरा घ चाहिए तो इसके लिए शॉर्टकट की है आप यहाँ से अल्ट के साथ आप 196 में 0196 प्रेस करना है। और ये सब जितना भी शॉर्टकट की हो रहा सारा आपका अल्ट के साथ आपको टाइप करना है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा दुर्गव। हर्षव तो आप नॉर्मली ला पाएंगे यानी टाइप कर पाएंगे, लेकिन दुर्गव अगर लिखना होगा तो इसके लिए शॉर्टकट की चाहिए और शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ आप यहां से 0197 टाइप करेंगे। ठीक है, यानी अल्ट दबा के आपको रखना है, अल्ट दबा के 0197 आपको प्रेस करना है। फिर इसके बाद आपको मिल रहा है जैसे कि ट ठ संयुक्त अगर लिखना होगा तो इसके लिए आप यहां से अल्ट प्रेस करके आप यहां से 0206 प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है यहां से थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, ये सब जितने भी शॉर्टकट किए सारा आप लोग जो है टाइप कर लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ड ड संयुक्त, अगर आपको टाइप करना होगा ड और इसके नीचे ड ड संयुक्त अगर टाइप करना होगा तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है आपका कि अल्ट के साथ यानी अल्ट प्रेस कीजिए, अल्ट के साथ आपका 0207। आप यहां देख पा रहे होंगे अल्ट के साथ 0206 टाइप करते हैं तो ट ठ संयुक्त टाइप होता है, और अल्ट के साथ 207 अगर आप प्रेस करते हैं तो ड ड संयुक्त टाइप होगा। इसके बाद आपका जो है इसी में जो है ड ढ संयुक्त अगर टाइप करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ यानी अल्ट प्रेस कीजिए और इसके साथ आपको जो है 0212। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो है मान लीजिए आपको टाइप करना है क्रॉ, आप देख पा रहे हो कि जैसे क्रॉ लिखने के लिए तो क्रॉ में जो ऐसे रॉ लगाते हैं ना जेड प्रेस करके भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर डायरेक्ट आपको इस तरह से लिखना होगा तो इसके लिए हम टाइप करते हैं यहाँ से अल्ट के साथ आपका 0216 टाइप करें। ठीक है, फिर इसी तरह मान लीजिए कि आपको और भी कुछ लेटर टाइप करना है, जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपका ट संयुक्त होता है, जैसे ट है और इसमें ट संयुक्त होता है तो इसके लिए आपको जो है अल्ट के साथ अल्ट प्रेस करके 0234 आप यहाँ से टाइप करें। नेक्स्ट आपका जो है, अब आप मान लीजिए बहुत सारा वर्ड लिखते हैं, जैसे आप यहाँ से शक्ति लिखते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से शक्ति लिखते हैं तो शक्ति में देखिए इस तरह से भी लिखा जाता है और शक्ति आपका इस तरह से भी बहुत लोग लिखते हैं, इस तरह से ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। तो ये जो आपका जो लेटर है, ये लेटर अगर आपको टाइप करना होगा तो इसके लिए आप यहाँ से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ यानी अल्ट प्रेस कीजिए, उसके साथ आपके यहाँ से 0228। ठीक है, अल्ट के साथ क्या प्रेस करना है 0228। इसके बाद बहुत सारा जैसे लिखा जाता है, जैसे क्रम संख्या लिखा जाता है तो आप यहाँ से क्रम ऐसे करके लिखेंगे, है ना, और इसके बाद संख्या लिखेंगे और क्रम संख्या लिखने के बाद जो ऐसा गोल जैसा जो ओ का तरह दिखता है ये देना होता है तो इसके लिए आप यहाँ से अल्ट प्रेस कीजिए अल्ट के साथ आप 0229।
ठीक है, ये टाइप करके जो है आप ये वाला लेटर ला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे में जैसे कि क का संयुक्त होता है, क ऐसा लिखा रहता है और उसके नीचे भी ऐसे करके क लिखा रहता है। अगर इस तरह से आपको लेटर लाना होगा इसके लिए आप यहाँ से अल्ट प्रेस कीजिए, अल्ट के साथ आप यहाँ से टाइप करेंगे 0244, ठीक है, अल्ट के साथ 0244 ये टाइप करके आप ये लेटर ला सकते हैं। इसके अलावा पद्म होता है, जैसे पद्म आप पढ़े होंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपको इस तरह से ऐसा करके ले रहता है लेटर, इसमें आपका म रहता है, दम संयुक्त करके रहता है, तो इसके लिए आप यहाँ से क्या टाइप करेंगे, तो अल्ट प्रेस करके आपको यहाँ से टाइप करना है 0249, ठीक है, अल्ट के साथ 0249 टाइप करके ये लेटर ला सकते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे कि एक छोटा वाला भी इस तरह से रहता है, ये अगर लाना पड़े तो इसके लिए आप टाइप करेंगे अल्ट प्रेस करके 0241, ठीक है, अल्ट के साथ 0241 टाइप करके आप वो बिंदु ला सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा लेटर है, जैसे कि आप डबल ये कोटेशन समझ रहे होंगे, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके जो लाते हैं या ऐसा करके जो लाते हैं, इसके लिए क्या है, अगर ये लेटर लाना होगा तो इसके लिए आप यहाँ से अल्ट के साथ 0222 आप टाइप करेंगे, यानी 222, और ये चीज अगर ये टाइप करना है तो इसके लिए अल्ट के साथ आप यहाँ से 0223 टाइप करेंगे, ठीक है, यानी ये आपका जो है ओपन है और ये वाला आपका क्लोज है, ठीक है। इसके बाद और भी है, बहुत सारा लेटर होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए आपको पत्ता लिखना होगा तो ऐसे करके पत्ता में ऐसा करके देते हैं ना, तो ये जो ऐसे करके जो लिख रहा है ना, आधा त हो रहा है और उसमें ये जो दे रहा है, उसके लिए आपको टाइप करना है अल्ट के साथ, अल्ट प्रेस कीजिए उसके साथ 0217 ये टाइप करके वो ला सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसमें बहुत सारा शॉर्टकट की के बारे में देखा, यानी कहने का मतलब जब भी आप टाइप करेंगे तो शॉर्टकट की का जरूरत पड़ेगा, तो बहुत सारा शॉर्टकट की देखा कि कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है कौन से लेटर लाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद धीरे धीरे इन सब जब आप टाइपिंग करेंगे तो इन सब लेटर को भी टाइप करें, ठीक है। इससे रिलेटेड हम आपको जो है कुछ वर्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जिसमें कि आपका ये शॉर्टकट की का यूज होगा, जब इसमें से कुछ वर्ड लिख देंगे तो आपको उम्मीद है उसको जब टाइप करेंगे तो आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। अभी तक तो हम लोग यही सीख रहे थे कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, तो चलिए कुछ वर्ड लिख देते हैं। जैसे कुछ वर्ड में आपका जिसमें कि शॉर्टकट की का जरूरत पड़े, तो जैसे लिफ्ट लिखना होगा तो आधा फ आप यहाँ से लिख सकते हैं, और या तो बहुत जगह में ना हलंत का भी यूज करके लिख देता है, जैसे अगर मान ली लिफ्ट लिखना हो तो ल ऐसे ली लिखा, फ लिखा और इसमें हलंत लगा दिया और इसमें ऐसे ट लगाए, तो ये सब आपका क्या है कि जितना भी लेटर है ये आपको जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि राष्ट्र, बार बार, युद्ध, क्रुद्ध, योद्धा, अतः, ऋतु, ऋषि, त्रस्त, त्रेता, त्रिपाठी, स्वतः, त्रिशूल, ब्रिजेश, ड्रम, त्रिलोकी, लिफ्ट, ठीक है, ये सब ऐसा वर्ड है कि जिसमें आपको जो है शॉर्टकट की के जरिए जो है कुछ वर्ड को लाना होगा, ठीक है। कुछ वर्ड टाइप कर सकते हैं और कुछ आपका शॉर्टकट की के जरिए ला सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, क्योंकि टाइपिंग में बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इसके साथ बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद आपका यहाँ से अगर कुछ पूछना है तो आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।